कोविड 19 से बचाव के लिए भिलाई निगम एरिया में टीकाकरण महाअभियान दिनांक 10 अगस्त से प्रारंभ किया गया है। महापौर नीरज पाल व आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर भिलाई क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 3 चरणों में सम्पन्न किया जाएगा। भिलाई निगम क्षेत्रवासियों को कोविड 19 से बचाने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 10 अगस्त से की गई है। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके लिए पूरे निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जगह जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका निगम भिलाई एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अपनी सेवाएं देकर निगम क्षेत्रवासियों को कोविड 19 से बचाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड 19 के बचाव के लिए जो टीका निर्मित किए गए थे, उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ चुकी है, जिसके लिए यह वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके इसके लाभ आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही निगम भिलाई और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आम जनमानस को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जो है टीकाकरण महाअभियान कोविड 19 की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो आज से प्रारंभ हुआ है, और इसके तहत में कई सारे सेंटर्स जो है वो नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत हमने संचालित किए हैं, और माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो टीम है उसको तैनात किया गया है। वेरीफायर, वैक्सीनेटर, इन सभी की टीम जो है वो तैनात है। दूसरा ये है कि डोर टू डोर घर भी जाकर वैक्सीनेशन जो है कराएंगे। इसके अलावा जैसे सामुदायिक जो अपने अस्पताल हैं, जो सुपिल अस्पताल हो गए जैसे, और जो PSC हो गए, UPSC हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी में भी जो है टीकाकरण अभियान जो है वो आज होगा, और जिसमें अधिक से अधिक जो लोग हैं, जो बचे हुए छूटे हुए लोग हैं, मेरी अपील है वो आ करके जो है वो अपना डोज लगाएं और अपना डोज कंप्लीट करें और कोविड से बचें। भिलाई निगम क्षेत्र में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान के तहत पहला चरण 10 अगस्त को संपन्न हुआ, वहीं दूसरा चरण 12 अगस्त और तीसरा चरण 16 अगस्त को संपन्न कराया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।